फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ शिक्षा और संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं इसके उत्तर को बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है पंजाब में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को, बी ऑप्शन है 2 जनवरी 1800 को, सी ऑप्शन है 2 फरवरी 1820 को, डी ऑप्शन है 2 मार्च 1850 को। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मजदूर दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते थे। ए ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, बी ऑप्शन है नौकरी पाना, सी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता प्राप्त करना, डी ऑप्शन है चरित्र निर्माण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते थे। तो चरित्र निर्माण मानते थे, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए, इसे भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटकर आए। ए ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौट कर आए, तो 1915 ईस्वी में लौट कर आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है। ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में,
बी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, तो 1916 ईस्वी में किए। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मीरचंद गांधी, बी ऑप्शन है करमचंद गांधी, सी ऑप्शन है हरिचंद गांधी, डी ऑप्शन है धर्मचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, बी ऑप्शन है सिमरन, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है सीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है नौजवानों का समूह, डी ऑप्शन है पुरस्कार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया पत्रिका है। इसे आपको याद रखना है, यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी की, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी की, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर जी की, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो यहां पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की रचना है। इसे आपको याद रखना है, यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है फ्रेंच लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है रूसी लेखक, डी ऑप्शन है जापानी लेखक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो एक रूसी लेखक थे। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन है मानवता का, सी ऑप्शन है विविधता का, डी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है हृदय की शिक्षा,
बी ऑप्शन है व्यवहारिक शिक्षा, सी ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा, डी ऑप्शन है व्यापारिक शिक्षा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो हृदय की शिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे, तो महात्मा गांधी जी चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। ए ऑप्शन है 1893 से 1914 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 1892 से 1916 ईस्वी तक, सी ऑप्शन है 1893 से 1920 ईस्वी तक, डी ऑप्शन है 1895 से 1900 ईस्वी तक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो 1893 से लेके 1914 ईस्वी तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपया का, बी ऑप्शन है 15 रुपया का, सी ऑप्शन है 11 रुपये का, डी ऑप्शन है 20 रुपये का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।